नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। खुश रहना है तो जितना है उतने में ही संतोष करो। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान संत रहते थे। वे अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इस यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर विश्राम करने की याचना की। संत उसके व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद धरती पर टाट बिछा कर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की खुद नींद ले रही है। उधर संत को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गंदे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर चैन की नींद नहीं सो सके और विदुषी के बारे में ही सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते हैं, संत ने विदुषी ने पूछा, तुम कैसा इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी? तब विदुषी ने बड़ा ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इनमें मेरे श्रम के महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस तरह पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद की आत्मीयता का एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्रित करने चल सकती हूँ? जब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला मन का सच्चा का सुख कहाँ है। जब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस अपने गांव लौट गए और एकत्र किया धन उन्हें गरीब में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वह लाखों करोड़ों की दौलत होने हुए भी खुश नहीं रह सकता। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे चैन की नींद नहीं आ सकती। उसे हमेशा और ज्यादा पाने का मोह लगा रहता है। इसके विपरीत को जो अपने पास जितना है उसी में संतुष्ट है। जिसके पास ज्यादा पाने का मोह नहीं है वह कम संसाधनों में भी खुश से रह सकता है। जय गुरुदेव।